तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में जानते हैं कि संख्याएं जो होती हैं उनको शब्दों से अंकों में कैसे लिखा जाता है और अंकों से शब्दों में कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन डिजिट्स, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखो, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरे में है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, जो अंकों में दी गई हैं संख्याएं इनको शब्दों में लिखना है। तो ये दोनों काम करने के लिए पहले हमको करने का तरीका पता होना चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पे देखो लिखा है, इकाई दाहिनी तरफ से रहता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब, खरब, दस खरब, ऐसे ही चलता चला जाता है। इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो ये होता है वंस, वो लिख दो तो वंस समझना, ये टेंस, ये हंड्रेड, फिर ये थाउजेंड, फिर ये टेन थाउजेंड, फिर ये लाख, एल लिख दो तो ठीक है, और फिर ये टेन लाख, फिर करोड़, फिर टेन करोड़, फिर अरब, फिर दस अरब, टेन अरब। देखो ये है इंडियन सिस्टम, जो फॉरेन सिस्टम होता है वो अलग होता है, उसमें वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर उसके बाद थाउजेंड, टेन थाउजेंड, तो हंड्रेड थाउजेंड भी उसमें होता है, ठीक है, फिर उसके बाद लाख, टेन लाख, तो उसमें हंड्रेड लाख भी होता है, तो वो अलग है। अभी आप इसको जानोगे जो इंडियन सिस्टम है, जो भारतीय गणना प्रणाली है उसके हिसाब से जानोगे। जैसे यहां पर देखिए, एक नंबर था 893059 है, ये अंकों में दिया हुआ है, इसको शब्दों में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को पूरा उठा के रख देंगे दाहिनी तरफ से, तो इकाई की जगह पे 9 आ जाएगा, दहाई की जगह पे 5 आ जाएगा, सैकड़े की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और हजार की जगह पे 3 आ जाएगा, दस हजार की जगह पे 9 आ जाएगा, और लाख की जगह पे, यहां पे देखो मैंने कुछ कॉलम बांटे हुए हैं। हमेशा ये ध्यान रखना कि इकाई दहाई वाले नंबर को एक साथ बोलना है आपको और एक साथ लिखना है, सैकड़े वाले को हमेशा अकेले लिखना है, हजार वाले जो नंबर होंगे उनको भी, दो हैं तो दोनों को एक साथ लिखना है और एक साथ पढ़ना भी है, क्योंकि दोनों हजार वाले घर के हैं, इनको घर समझ लो, सैकड़े का घर, अकेले का, बाकी हजार और दस हजार, ये दोनों हजार वाले घर के, लाख और दस लाख, ये दोनों लाख वाले घर के, करोड़ और दस करोड़, ये भी दोनों किसके घर के, करोड़ वाले घर के, अरब, दस अरब, ये किसके घर के, अरब के। तो इसमें जो है दोनों नंबर लिखे जाएंगे और दोनों को एक साथ जो है पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ेंगे देखो समझो, ये जो नंबर हमने लिख दिया तो अब आपको ये देखना है कि जो आठ है, लिखेंगे उधर से, पढ़ेंगे इधर से, तो आठ किस घर में है, लाख वाले में, अकेला ही नंबर था ना, तो पहले इसमें लिखा गया, तो इसको पढ़ेंगे आठ लाख, मैंने बताया था इन दोनों को साथ में बोलना है, तो नौ और तीन दोनों साथ में पढ़ोगे तो तिरानबे हो जाएगा ना, 93, तो तिरानबे किस घर के, हजार वाले घर के, तिरानबे हजार, सैकड़े वाले में जीरो है यहाँ पे, तो सैकड़े वाले घर को हमें बोलने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को भी साथ में लेना है, तो ये है कितना, 59। लिखना चाहो इंग्लिश में तो क्या लिखोगे, 893,100 नहीं है तो उसको बोलना नहीं है, उसके तुरंत बाद किसको बोल देना है, 59 को। यहां पे देखो लिख दिया है 893,059। अगर ये शब्दों में दिया होता, अंकों में लिखना है, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें जो अंक है, नंबर है, उस पर ध्यान दो। जैसे यहां पे है 8 लाख, ये वाला बताएगा कि किस घर में जाएगा, किस, और ये बताएगा कि कितना जाएगा, इसके बाद 93 हो गया वो संख्या, और 1000 क्या हो गया, उसका घर हो गया, और जो लास्ट में रहता है 59, इकाई दहाई वाला, वंस टेंस वाला, उसका तो घर फिक्स ही है कि इकाई दहाई में सबसे किनारे रहेगा ही। अब लिखना होता हमको तो 8 लाख है तो हम लाख वाले घर को पकड़ेंगे,
एट अकेला होता है, होता ना अकेला, दो अंक होते तो दोनों को फिर 10 लाख वाले में भी आ जाता, तो एट को रख दिया किसमें, लाख वाले में। फिर 93 किस वाले घर में रहेगा, 1000 वाले में, दो अंक हैं तो एक 10,000 वाले में और एक 1000 वाले में, 9 और 3 लिख गया। यहां पर देखो 100 की बात नहीं हुई है तो कोई भी घर खाली नहीं छोड़ना है, जिसकी बात ना हो उसके वाले में क्या रख दो, 0 रख दो। फिर लास्ट में क्या है, 59 नाइन वंस पे चला जाएगा और 5 टेंस पे। बात क्लियर। अब देखो यहां पर दूसरे क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरे क्वेश्चन में 3501 यही तो है। अब यहां पे देखो 3 हो गया संख्या, ये बताएगा कि कौन सा घर है, तो 3000 वाले घर में कितना लिखना है, 3 लिखना है, तो 1000 वाला घर देखो 3 अकेला ही तो होता है ना, तो ये अकेला है तो सिर्फ 1000 के नीचे, दो होते तो 10,000 में भी रख दिया जाता, तो 3000 वाले में कितना, 3। 500 ये है घर, ये क्या है, इस घर में कितना लिखना है, 5, तो ये सैकड़ा वाला घर है ना, इसमें लिख दिया 5। लास्ट में कितना है, 1, 501, 1 अकेला होता है, लेकिन ये इस वाले में कितने, 2 आ सकते हैं, इकाई और दहाई दोनों आ सकते हैं ना, तो अकेला है तो ये इकाई पे चला जाएगा, दहाई वाला खाली नहीं रखेंगे, उसमें 0 रख देंगे, क्या रख देंगे, 0। इस वाले में आ गया 1, यहां पे लिख दिया कितना, 0, क्या लिख दिया, 0, क्योंकि देखो एक ही बात कर रहा ना, अकेला ही अंक तो होता है एक, तो उसको इकाई में लिख देंगे, जो दहाई की जगह पर उस पर क्या लिख देंगे, 0। अब यहां पे देखो ये 3501 इसके आगे लिख देंगे 3501। अब इसके बाद देखो क्या लिखा है, 115 100 का मतलब 100 समझना, क्या समझना, जब 100 रहता है तो कभी कभी 1 नहीं लिखते हैं, तो 100 लिखा हो तो 1 समझ लेना कि 100 है ये, तो 115, तो 100 वाले देखो ये यहां पर जो 1 छिपा है वो बता रहा कि 1 किस में रहेगा, कौन से घर में, 100 वाले घर में, तो 100 वाले घर में क्या रख दिया, 1 रख दिया। उसके बाद कितना है, 15 देखोगे ऐसे होता ना, 15 दो अंक होते हैं ना, तो ये इकाई का है और ये दहाई का, यहां पे 5 और यहां पे 1, तो ये बन गया 115, यहां पे लिख दिया 115। क्लियर है बात। अब आते हैं इस पे, कौन सा ये रह गया है, चलो इसको देखो, एक यहां पे बचा है 89,029। अब 89 तो हमारी संख्या हो गई और ये कौन सा है, घर है, 1000 वाले घर में रहेगा 89 ऐसे होता, दो अंक होते हैं ना, तो ये 1000 है, ये 10,000 है, ये 1000 है, ये 10,000, तो 1000 वाले में यहां पे भर गया है, मैं इसको अब मिटा देता हूं। 1000 वाला कहां पे है भाई, ये 1000 10,000 दोनों यहां पे है ना, तो 10,000 वाले में 8 रहेगा और 1000 वाले में 9 रहेगा। बात क्लियर है। अब देखो उसके बाद इसमें कहीं पर 100 नहीं कह रहा, और 1000 के बाद में फिर 100 आता है ना, 100 की बात नहीं कर रहा, तो 100 वाले में हम क्या लिख देंगे, 0। 29 लास्ट में कह रहा, तो 29 ऐसे होता है ना, तो ये इकाई का है और ये दहाई का, तो यहां पे 9 और यहां पे 2, तो इसका बन चुका है भाई 89029। क्लियर है बात। अब इनको भी शब्दों में लिखने की कोशिश करते हैं भाई। अब हम इसको मिटा देंगे, इतना लिखने के लिए हमारे कॉपी में जगह नहीं रहेगी, हम यहीं पे सेट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, जो भी दिया रहेगा हम उसी के ऊपर लिखेंगे, फट से अपना इकाई यहां पे बिठा दो, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है और ये 1000 है, क्या है,
इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो अब यही से पढ़ो, हजार की जगह पर कौन सात, सात हजार। जो हंड्रेड है, जो सौ है, सैकड़ा है, वो जीरो है, तो उसको नहीं बोलेंगे, सात हजार। और इन दोनों को साथ में बोलो, उन्नीस। ये क्या लिखा जाएगा, सात हजार उन्नीस, मतलब सेवन थाउजेंड, सेवन थाउजेंड नाइनटीन। क्लियर है बात। अब देखो इसको, देखो इसमें भी वैसा ही काम करेंगे। ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड और ये टेन थाउजेंड। मैंने बताया था थाउजेंड थाउजेंड का घर होता है, उसमें दो रहते हैं, थाउजेंड टेन थाउजेंड। तो इन दोनों को एक साथ पढ़ोगे, ये क्या है, ट्वेंटी थ्री है ना, दोनों को एक साथ लोगे तो ट्वेंटी थ्री थाउजेंड। हंड्रेड पे जीरो है तो इसको नहीं बोलेंगे। फिर लास्ट में क्या है, थर्टीन, तो लिखेंगे ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री थाउजेंड और क्या है थर्टीन, टी एच आई आर टी डबल ई एन, हो गया। यहां पे देखो क्या लिखा है, इसको भी वही काम करेंगे। ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड और ये टेन थाउजेंड। तो थाउजेंड थाउजेंड दो हो गए, तो सिक्सटी नाइन थाउजेंड। यहां पे हंड्रेड दिया है, थ्री हंड्रेड और सेवेंटी नाइन, यहां पे लिख देंगे हम सिक्सटी नाइन, सिक्सटी नाइन थाउजेंड, टी एच ओ यू एस ए एन डी, सिक्सटी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड। कितना हंड्रेड, थ्री हंड्रेड, थ्री हंड्रेड। और लास्ट में क्या है भाई, सेवेंटी नाइन, दोनों को एक साथ, ये इकाई में, ये दहाई में, सेवेंटी नाइन। क्लियर है बात। तो आज हमने जान लिया कि अंकों को, संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखा जाता है और संख्याओं को अंकों में कैसे लिखा जाता है। अगली वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन।